ओके नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है सी टैट के लिए, जो मैथ्स है वो हम लोग करने वाले हैं, यानी कि पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। 3 पार्ट में मैथ्स के आप लोगों को करा चुका हूँ, और ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों मैं इसलिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ प्रीवियस ईयर के, क्योंकि आप लोग पहले प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद हम लोग जो थोड़ा सा अलग से करेंगे। कुछ लोगों के कमेंट ये आते हैं कि सर इतने सिंपल प्रश्न सी टैट में नहीं आते। अच्छी बात है भाई, उन लोगों के लिए सल्यूट है भाई, इतने सिंपल क्वेश्चन सी टैट में नहीं आते तो ये कहाँ से लेकर आया हूँ मैं। चलो देखते हैं भाई, दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो सारे प्रश्न आपके सी टैट में आए हुए हैं, क्वेश्चन रहेगा आपका संख्या दी हुई है। अब इसमें आपको 5 के स्थानीय मान और इसके अंकित मान में अंतर बताना है। मैं आपको बता दूं स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। पहले स्थानीय मान तो सबको निकालना आता ही है, ठीक है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है किसको स्थानीय मान निकालना ना हो, यानी कि 5 का स्थानीय मान निकालना था आपको। तो यहाँ से देखिएगा 5 लिख लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, 5 लिखना है और इसके आगे जितनी अंक आए उतने जीरो लगा दो। 1 2 3, 5000 हो गया। अब जो अंकित मान है ना, जो संख्या दी हुई है वही अंकित मान होता है, यानी कि 5 दिया हुआ है तो 5 ही आपका अंकित मान है। अंतर पूछा है इसमें से, आप लोग 5 को घटा देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का ये हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है, यानी कि 4995 आंसर आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, शाबाश। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भी, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। ये भी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन रहेगा आपका। आपको करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए सबसे बड़ी संख्या जो है 99 लिखेंगे, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4, ठीक है, ये आप लोगों ने लिख दिया। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी साथियों वो कितना होगा आपका, 1 लिख के 2 जीरो लगा दो, यानी कि ये आपका 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब आप लोगों से पूछा है कि सबसे छोटी संख्या का योगफल, यानी कि दोनों का जो है ना योगफल आपको बताना है, तो हम लोगों को इसमें ऐड कर देना 100, ठीक है, हम लोगों को ऐड कर देना 100, 9 9 0 और 10, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन ही इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि 10 इकाई, 10 दहाई और 10,000, ये जो बराबर है वो किसके बराबर है। ध्यान से देखेंगे, 10 इकाई, 10 दहाई, 10,000 बराबर किसके हैं। साथियों यहाँ पर कमेंट किसके नहीं पढ़ने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस ईयर में लगा रखी है वीडियो, ठीक है। आप लोग अच्छे से करते रहो और लाइक कर देना वीडियो को, आप लोग लाइक करते हुए पता नहीं आपका अंगूठा थकता है कैसे। आपको करना है, देखिएगा कैसे करना है, इसमें भाई 10,000 लिखना आपको, यानी कि 10 इकाई, 10 दहाई, 10,000। आप लोग इस तरह से लिखो, उल्टा लिखना चलो हम लोग, यानी कि सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे पहले, 10,000 लिखो पहले आप लोग, 10,000 आपका ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर आपको लिखना है दोस्तों 10 दहाई, यानी कि 10 दहाई कैसे होती है, दहाई आपको पता ना ये होती है, अब 10 दहाई होती है तो यानी कि इसकी गुणा कर दो 10 से, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 दहाई हो गई। 10 इकाई आपको पता, 10 लिख दो डायरेक्टली, तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया 10। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर लेना है, 0 का 0 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, इस तरह से आपका जाएगा। तो दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, हाँ हमारा जो आंसर होगा वो भी आपका तीसरा ऑप्शन ही हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो तीनों प्रश्न के ऑप्शन तीसरा ही प्रश्न आपका रहने वाला है, यानी कि तीसरा ही ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से लाइक कर दो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कुछ अलग है कि 26 और 26 शतांक, शतांक अगर मैं शतांक की बात करूंगा, जैसे कि आपसे पूछेगा कि एक शतांक क्या होता है, शतांक आपको पता, 100 को बोलते हैं ना, एक शतांक पूछा ओनली, तो दोस्तों 0.01 एक शतांक हो जाएगा। अगर आपसे पूछा कि 26 शतांक, तो 26 शतांक कितना हो जाएगा, 26 शतांक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.26। अब इसको ऐड कर लो आप लोग इसको, ठीक है, 26 शतांक आपका ये हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पर ध्यान दो थोड़ा सा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका गलत होता है। ये आपका 0.06 है, अगर एक शतांक निकलवाएगा 0.01, 26 शतांक निकलवाएगा 0.06। अब आपको बताना है कि 26 और 26 शतांक को कैसे लिखा जाता है। ये आपका शतांक हो गया ये वाला, ये तो निकल गया, और 26 भी तो पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 26 को देखिएगा, 26 लिखा हम लोगों ने और शतांक को देख लीजिएगा यहाँ पर, तो प्लस 0.0626,
तो ये जो आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, 26.26। इसका जो आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन रहने वाला है ना, दूसरा ऑप्शन रहने वाला है। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग की गुणनफल, ये दे रखा है आपका, इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि दोस्तों ये वाली संख्या प्राप्त हो। देखते हैं भाई कौन सी संख्या घटाएंगे हम लोग। पहले ऐसी वीडियो में हम लोग को करना क्या है, चाहे तो आप लोग एक्स मान लो, सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं। ऐसे मान के चलो ये जो संख्या लिखी गई आपकी 1109, ठीक है, इंटू 505, कितना घटाया जाए दोस्तों, एक्स घटाया जाए, कितना बचे जो संख्या दे रखी है आपकी 505050। ये हो गया आपका। अब हम लोग को इसको सोल्व कर लेना, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है। तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा आपका, एक्स बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 1109 इंटू 505। अब दोस्तों हम लोगों ने इधर से एक्स लिया है तो ये जो माइनस जो हमारा बराबर में है हम लोग माइनस में कर लेंगे इसको, यानी कि बराबर से लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा हमारा 505050। ठीक है, अब देखिएगा एक्स बराबर साथियों क्या रहेगा आपका 56, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों की, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 560045। अब इसमें से ये वाली संख्या घटा देंगे। थोड़ा सा बड़ा है सवाल, बाकी कुछ नहीं है, आंसर आप लोगों का आ जाएगा 54995, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद देखिएगा आपसे पूछा है कि इनमें से, यानी कि आपको 11 से पहले इसकी भाग करनी है और फिर 11 से इसकी भाग करनी है। अब आपका जो शेषफल बचेगा उनका गुणनफल बताना है। मैं इसको आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, इस वाली संख्या की 11 से भाग कर लेंगे, पहली वाले की, दूसरी संख्या की 11 से भाग कर लेंगे। अब जो पहली वाली संख्या की 11 से भाग करेंगे तो इसका जो शेष आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। दूसरे का शेष जो आएगा 4 आएगा, तो 4 का और 1 का गुणा कर लो हम लोग, 4 × 1 यानी कि 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग करके देख लेना घर पर इस सवाल को, मतलब कॉपी में प्रैक्टिस के तौर पर। अगले क्वेश्चन के साथियों हम लोग बात करने वाले हैं। अब ये संख्या दी हुई है आपको 62 51 65 21 56 21। अब 5 के स्थानीय मान का योगफल बताना। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन आप लोगों को जो पहले मैंने आपको बताया था वैसे ही आप लोगों को करना है। 5 का स्थानीय मान सबसे पहले देखिएगा, आप लोग जो संख्या दी हुई है ये वाली 6251, इसमें 5 का स्थानीय मान निकालो तो क्या हो जाएगा 50, यानी कि 50 हो गया। अब दूसरी संख्या में क्या निकालेंगे, 6521, इसमें निकालिएगा देखिएगा 500, यानी कि 500 हो गया आपका। ठीक है, अब तीसरी संख्या क्या है आपकी, तीसरी संख्या है ये वाली आपकी कि 5621, इसमें 5 का स्थानीय मान निकालो तो 5000, यानी कि 5000 हो जाएगा, 50 500 5000। अब हम लोगों को करना क्या है, तीनों को ऐड कर देना है, तीनों को ऐड करने देना दोस्तों। यहाँ पर देखिए 5000 लिखिएगा आप लोग, प्लस 500 लिखिएगा, प्लस 50 लिखिएगा दोस्तों, आपको करना है इसको ऐड, 0 0 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 5, ये फिर भी आपका 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है, और फिर अब आपका 5 ही आएगा क्योंकि ये वाला 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी संख्या हो जाएगी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, ये रहेगा तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो पसंद आ रही हो तो। अब आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन कौन सा होगा साथियों, 75 नंबर आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग जो है ना हमेशा सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गुणनफल 102 × 201 में 201 में से क्या घटाया जाए ताकि ये संख्या प्राप्त हो। सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर वाला जो क्वेश्चन कराया था एक बार, पीछे पीछे आप लोग नजर डालिएगा पिछली स्लाइड पर, सेम क्वेश्चन उस तरह से आपको करना है। ठीक है, सेम है, कुछ नहीं रखा आपका, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। गाइज यहाँ पर देखो कैसे करना है आपको, आपको करना है मान लीजिए कि हम लोगों को एक्स घटाना है, मान लीजिए कि एक्स घटाना है 102 × 201, ठीक है, माइनस एक्स बराबर जो संख्या दी हुई है, बस ये जो देखो आप, मैं पीछे दिखा देता हूँ आपको, ये जो मैंने कहा था ना यहाँ पर 72 वाला सवाल, वो सेम क्वेश्चन है इस तरह से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करके देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से हो जाएगा आपका, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ,
503 आंसर आएगा यहाँ पर, यानी कि पहला ऑप्शन आएगा इसका, ना हो तो बता देना मुझे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो संख्या है इसको 11 से भाग देने पर प्राप्त जो भागफल होगा वो शेषफल होगा, उसका योग बताना है आपको। ठीक है, तो 11 से भाग दे दो पहले आप लोग इसको, जो संख्या है आपकी 11 से भाग दे दो इसको। ठीक है, अब जो आपका भागफल और शेषफल बचेगा पहले करके दिखा देते हैं हम लोग। 11 से जैसे आप लोग इसको भाग दोगे, 0 11 11 11, ठीक है, तो 11 11 11, ठीक है, 0 उतार लिया। अब देखिए 1 0 उतारेंगे हम लोग, 1 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, फिर 1 0 उतारेंगे हम लोग, फिर 1 उतार लेंगे, तो 11 11 11 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो फिर 1 बचा हमारा यहाँ पर, क्या बचा हमारा दोस्तों यहाँ पर, 1 बचा, तो 1 0 उतार कर हम लोग यहाँ पर 1 उतार लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 11 11। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कुछ नहीं बचता, जहां पर कुछ नहीं बचता हम लोग 1 मानते हैं, है ना जी, कुछ नहीं बचता जो 1 मान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपका क्या बचेगा, ये वाला, ये जो हो जाएगा आपका इसमें हम दोस्तों 1 मान लेंगे जहां पर कुछ नहीं बचता। ठीक है, 1 मान लेते हैं हम लोग, बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल ये आपका, तो 1 हो जाएगा ये, इसमें 1 ऐड कर दो, 10 10 1 0 1। ठीक है, तो साथियों क्या आंसर रहेगा आपका, ये रहेगा आपका 111 111, ये वाला फोर्थ ऑप्शन आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, ये संख्या है इसका स्थानीय मान और अंकित मान, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है आपका, कुछ नहीं करना आपको, 5 6 4 3 1, 6 का स्थानीय मान निकालो, 6 0 0 और 0। अब देखो अंकित मान क्या है आपका, 4 का अंकित मान निकालना आपको, 4 का अंकित मान, तो 4 का अंकित मान 4 ही होता है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, 4 का अंकित मान 4 ही होगा, तो ये हो जाएगा 59 96 आंसर हो गया सही आपका। अब आपको बताना है 10,000, ये वाली संख्या वही है पीछे आपको करा चुका हूँ, 10,000 10 100 10 2,500 बराबर है, कैसे होगा दोस्तों देखिए फिर से बता दूं आप लोगों को, 10,000 लिख लीजिए सबसे पहले, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, फिर लिख लीजिए 10 100 10 100 10 × 100, इस तरह से 10 100 कैसे होता है दोस्तों, 10 100 10 और 100, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा भाई, 1000 हो जाएगा। अब क्या पूछा आप लोगों से, 10 2,500 क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, 10 2,500 10 लिख कर 2,500 लिख दो, यानी कि 100 हो जाएगा आपका, 10 2,500। ठीक है, अब आपको ऐड कर देना है 0 0 1 1 1, ये रहा आपका आंसर, ये रहा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, शाबाश, आई होप समझ में आ गया होगा आपके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये संख्या है आपको वही वही वाला क्वेश्चन है जो पीछे भी मैंने आपको कराया है, लेकिन यहाँ पर संख्या बदल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपकी संख्या बदल चुकी है, पहले आप लोग इसको जो है ना 11 से भाग दो इस वाली संख्या को, फिर आप लोग 13 से भाग दो इस वाली संख्या को, अब जो प्राप्त शेषफल है इनका योग कर देना है, कुछ नहीं करना है इनका योग कर देना है, बता दूं कैसे कैसे करना है। ठीक है, देखो अगर आप लोग 11 से इस वाली संख्या को भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा यहाँ पर, ठीक है, इस वाली संख्या को 13 से भाग दोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, योग कितना हो जाएगा 2 + 1, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन है, करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि भाग तो कर सकते हो आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि यदि ये संख्या में 5 का स्थानीय मान, ठीक है, 5 का स्थानीय मान प्लस इसमें 6 का स्थानीय मान, ठीक है, बराबर 7 × x है, तो रिक्त स्थान में बताना आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं आपको बताऊं कैसे करना है इसमें आपको, देखिए आपको करना क्या है, x मान लेना है यहाँ पर, क्या मानना है साथियों, यहाँ पर हम लोगों को x मान लेना है। ठीक है, x मान लिया आप लोगों ने, तो यहाँ पर देखिए 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, पहले आप लोग 5 का स्थानीय मान निकालिए इसमें से, 15 2 0 1, 5 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 0 0 5,000 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 6 का स्थानीय मान निकालेंगे आपका, 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600, यानी कि 600 हो जाएगा ना इसका। अब दोस्तों स्थानीय मान इंटू इसमें क्या करना है आप लोगों को, जोड़ देना है इनको, इन दोनों को आप लोगों को जोड़ देना है गाइज। ठीक है, तो कैसे कैसे बनेगी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
ये बनेगी सीरीज आपकी 5000 प्लस 600 बराबर 7 × x, ये आपकी सीरीज बन गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5600 बराबर 7x। अब 7x बराबर क्या हो जाएगा, 7x बराबर आपका होगा 5600। ठीक है, x बराबर क्या होगा आपका 5600 × 7, 7 × 56, यानी कि ये कट जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 7 × 56 800 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया भाई, आई होप क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर यहाँ पर करेक्टली राइट हो जाएगा। शाबाश, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, 3 क्वेश्चन कि यदि संख्या 112 इकाई 12000 और ये संख्या 2 है तो रिक्त स्थान में आपको बताना है, रिक्त स्थान में आपको बताना है। अच्छा एक काम करो दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को कराता हूँ पहले मैं आपको, क्योंकि तो काफी बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को एक्स मान लेना है, एक्स मान लेना है, तो सीरीज क्या बनेगी दोस्तों, आपकी सीरीज बनेगी 112 × 1। ठीक है, क्योंकि 112 इकाई पूछा है ना, और 12000 तो प्लस कितना हो जाएगा, 12 × 1000। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये वाली संख्या लिख लीजिए आप लोग, 11001 2, प्लस एक्स लिख लो। ठीक है, एक्स 2, एक्स इंटू 100 लिखो, एक्स इंटू 100, सॉरी एक्स इंटू 10, क्योंकि 2 पूछा है ना। तो सीरीज दोस्तों इस तरह से बनेगी, आपको सोल्व कर लेना, आप लोगों को 112 हो जाएगा, 112 प्लस 1200 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 100 से हम लोगों ने 1000 से इसकी मल्टीप्लाई की थी, तो यहाँ पर देखिए 12000 हो जाएगा, 12000, और ये हो जाएगा आपका, ये संख्या आप लोग ऐसे उतार लोगे, और प्लस 10x। ठीक है, 10x हो गया आपका। अब दोस्तों वही चीज हम लोग करने वाले हैं, इसमें आप लोग 12 ऐड कर लीजिएगा, तो 12 11 2 बराबर कितना होगा, वही संख्या आप लोग उतार लो। ठीक है, प्लस 10x, कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा, 10x बराबर साथियों, अब जो ये संख्या है आपकी, हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे इसको, यानी कि 12 11 2 माइनस, इसमें से हम लोग ये घटा देंगे, 11 0 1 2, और 10x बराबर क्या हो जाएगा साथियों हमारा, यहाँ पर ये हो जाता है हमारा 1100। अब x बराबर हम लोग क्या करेंगे, 1100 को हम लोग 110 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 110 यहाँ पर, x बराबर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 110 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, पार्ट नंबर आपका 5। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय, बाय गाइस, टेक केयर।